أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا एक और बलंतर सलावत पढ़ने कुरान हकीम के सूरह मुबारक इसरा की नवीं आयत आप हजरात के सामने मुसलसल तिलावत करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ और ये आयत उन आयतों में से है जिन्हें जवामे आयत या गौरव आयत में शुमार किया जाता है। अब ये दो लफ्ज़ें ज़रा मुश्किल तो हैं मगर मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। जो अहले इल्म हैं अहले अदब हैं उनके लिए ये लफ्ज़ें मुश्किल नहीं हैं लेकिन जवामे आयात उन आयतों को कहते हैं जिनमें एक ऐसा मज़मून समोया हुआ है ऐसा मज़मून बयान किया गया है कि तन्हा वो मज़मून एक लिहाज से पूरे कुरान मजीद के पैगाम का जामे है। और इसी लिहाज से इसे गौरर आयात कहते हैं यानी वो आयतें जो नहायत दरख्शां हैं रोशन आयतें। कुरान मजीद की हर आयत रोशन है मगर जिस तरह इस निज़ाम हस्ती में हर चीज़ जो वजूदी है वो ज़ो मरातिब है यानी जितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं आलम हस्ती में उसमें मरातिब हैं। जिसकी मशहूर मिसाल किताबों में भी है मैं तकरीरों में भी अर्ज़ करता रहा हूँ और इसलिए वो मिसाल तो दोहरानी ही पड़ती है। जैसे ये रोशनी है नूर तो रोशनी की हकीकत रोशनी की माहियत एक है नेचर ऑफ लाइट एक है लेकिन आप जानते हैं किसी बल्ब में कम रोशनी होती है किसी में ज़्यादा होती है किसी में बहुत ज़्यादा होती है हैं। आप अपने शबिस्तान राहत में शब ख़्वाब भी लगाते हैं तो वो उसमें बहुत कम रोशनी होती है हल्की सी। नेचर ऑफ लाइट एक ही है। साइंस की रोशनी में जो लाइट की डिफिनीशन है जो नेचर ऑफ लाइट है वो एक है उसमें कोई फ़र्क नहीं है लेकिन रुतबों में
फ़र्क है। इसी तरह वही वही होने की हैसियत से मुतबर है, मुकद्दस है, मगर आयतों में रुतबे ज़रूर हैं। वाज़ेह है, जिस तरह अल्लाह की तरफ से आने वाला हर नबी नबी है, अल्लाह की तरफ से जो भी नबी आया है अल्लाह सुबहानहु व तआला का पैगाम लेकर, अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से मनसब नबूवत लेकर, ओहदा लेकर आया है, पैगाम लेकर आया है, हमारी यानी इंसानों की हिदायत के लिए आया है, बस उसका नबी होना काफ़ी है कि हम उसका एहतराम करें। वो एक ख़ास ओहदा और मनसब है, वाजिबुल एहतराम है हमारे लिए। मगर ख़ुद जो नबियों का सिलसिला है उसमें क्या सब बराबर हैं? ख़ुद हम अपनी तरफ से कुछ कहें तो मुमकिन है कोई एतराज़ करे, लेकिन क़ुरान मजीद में हक सुबहानहु व तआला ने, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ख़ुद ऐलान फरमा दिया है, तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, वो रसूल वो हैं कि जिनमें से बास को हमने बास पर फजीलत दी है। जब वो ख़ुद फरमा रहा है कि हमने बास को बास पर फजीलत दी है, तो हमें ये हक हासिल नहीं है कि सबको बराबर करार दें। और दस्ते अदब जोड़ के एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, इल्मी जुमला है, मुनाजिराना नहीं। जब नबियों के मुआशरे में सब बराबर नहीं हैं, तो नबी के साथ रहने वाले सब कैसे बराबर हो सकते? सुबहानहु व तआला का, यह अल्लाह सुबहानहु व तआला का निज़ाम है। हर चीज़ में जो वजूदी हकायक हैं उसमें मरातिब हैं, दरजात हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ख़ुद ये मरातिब और दरजात करार दिए हैं। तो जिस तरह नूर में रुतबे हैं, उसी तरह जैसे रिसालत में मरतबे हैं, उसी तरह क़ुरान मजीद की आयतों में मरतबे। और ये मरातिब खुद इरशादाते पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, की रोशनी में वाज़े हैं। मसलन किसी मकाम पर हज़रत ने फरमाया कि क़ुरान मजीद की सबसे अज़ीम आयत कौन सी है, सबसे बाफजीलत आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी एक आयत होने की हैसियत से, आयतुल कुर्सी की बहुत फजीलत है, बेपनाह। सूरों में सबसे ज़्यादा फजीलत किस सूरे की है? अब देखिए, कबल इसके कि मैं कुछ कहूँ, नीचे से कुछ जवाब आने लगा। ज़रा सा सब्र से काम लेना चाहिए, बहुत बेसब्री नहीं करनी चाहिए। ये फजीलतें जो हैं सूरों की, ये भी मुख्तलिफ हैसियतों से हैं। आयतों की जो फजीलतें हैं और मरातिब हैं, ये भी मुख्तलिफ हैसियतों से हैं। एक एतबार से सबसे बाफजीलत सूरा सूरह मुबारका हम्द है, सूरह फातिहा, सूरह हम्द। आप ज़रा गौर कीजिए, अब बात आ गई है, मुझे आज बयान नहीं करना था, इस वक्त आ गई बात तो अर्ज़ कर रहा हूँ। अब ये नुस्खा है रूहानी लेके जाना, और रूहानी नुस्खा मादी कागज़ पे नहीं लिखा जाता, दिल पे लिखा जाता है। मालूम कोई साहब कहें कागज़ से लिख दीजिए, ये कागज़ और ये रोशनाई और ये कलम, ये क्या हैसियत है इसकी? दिल पे लिख लीजिए ये नुस्खा के क़ुरान मजीद का ये जो पहला सूरा है, सूरह मुबारक है हम्द, सूरह मुबारक है फातिहा। ये इसके लिए क्या बयान हुआ है, सुनते रहते हैं आप
कि जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह हम्द में है, तो गोया सूरह रहमान भी सूरह हम्द में है, सूरह यासीन भी सूरह हम्द में है, सूरह मुज़म्मिल भी सूरह हम्द में है, सूरह वाक़िया भी सूरह हम्द में है, हैं सूरह कौसर भी सूरह हम्द में है, सूरह दहर भी सूरह हम्द में है, सब सूरह सूरह हम्द में है, जो कुछ कुल कुरान में है वो सूरह मुबारक है हम्द में है। कितनी फजीलत है सूरह हम्द की। और इसी एतबार से अब एक लिहाज से और गौर कीजिए, ये तो मेरा जुमला बहुत मशहूर है लेकिन फिर भी दोहराता रहता हूँ, चूँकि हम में से हर शख्स किसी न किसी बीमारी में किसी न किसी मरज़ में मुब्तला रहता है, अगर जिस्मानी मरज नहीं है तो कम से कम कहीं ना कहीं नफ्स में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर लाहिक रहती है। चूँकि ये ज़मानो मकान जो है ना, ये जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स है, ये जो इस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये गुबार आलूद है, ये खाक आलूद है, यहाँ बहुत पॉल्यूशन है, बहुत मुश्किल है कि दामन को धब्बों से बचा लिया जाए। और हुनर यही है रास्ता चलने का, इस सलीके से चलो कि गर्द उड़ती रहे मगर तुम्हारे दामन पे जमने ना पाए। इंसान की रफ्तार उसके शायान शान होनी चाहिए ना, इंसान की रफ्तार, इंसान सबसे बुलंद है नहीं है, चौपायों से बुलंद है जमीन पर, रेंग के चलने वालों से बुलंद है, फजा में उड़ने वालों से भी बुलंद है। अब मैं क्या अर्ज करूं, बेख्तियार एक शेर याद आ रहा है उर्दू के एक क्लासिकी शायर का, इसमें बड़ा अच्छा पैगाम है। और वो शेर ये है कि, अब मज़मून शेर पहले समझाऊं या शेर ही सुना दूं बराह रास्त, ये भी सोचना पड़ता है इसलिए कि बाद बच्चे वो हैं जिनके लिए उर्दू मुश्किल है या मज़मून मुश्किल होगा, ताज्जुब होगा ये क्या बात है। कहने वाले ने कहा है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। एक अच्छा इंसान होना, एक वाकई इंसान होना, एक सच्चा इंसान होना कम रुतबा है। अगर हमें हमेशा ये लिहाज रहे कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इंसान बना के भेजा है, अगर ये लिहाज रहे तो इंसान कभी कोई ओछी हरकत कर ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ सिर्फ इंसान होने का ख्याल हो तो इंसान का रुतबा बहुत बुलंद है। इंसान के शायान शान जो रफ्तार है वो ऐसी होनी चाहिए कि गर्द उड़ती रहे, गुबार उठता रहे, आंधी चलती रहे, तूफान उठता रहे मगर आपके दामन पे गर्द बैठने ना पाए। बहरहाल तो अब बात से बात निकलती चली जा रही है, अर्ज़ करता चला जा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि हम में से हर एक का नफ्स जो है कुछ ना कुछ उसमें मुश्किलात होती हैं, होती हैं। अब मसलन फिर एक शेर याद आ गया मिर्ज़ा दबीर अलैहि रहमा का। मिर्ज़ा दबीर अलैहि रहमा ने फरमाया है कि दिल साफ हो किस तरह के इंसाफ नहीं है, दिल साफ हो किस तरह के इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह के दिल साफ नहीं है।
तो अब कुछ ना कुछ हर एक के साथ परेशानी होती है, आपस में दो भाइयों के दरमियान तकद्दुर खातिर होता है, कभी वालिदैन और औलाद के दरमियान तकद्दुर खातिर हो जाता है, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में तकद्दुर खातिर हो जाता है। इस सब का इलाज क्या है? जिस्मानी इलाज से लेकर नफसानी बीमारियों के इलाज तक पैगंबर अकरम शफीउल मुज़नबीन और तबीब इलाही हज़रत ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये सूरह हम्द, सूरह फातिहा, सूरह शिफा है। ये हमारे जवान बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, बहनें, ख़वातीन सब जहाँ तक सुन रही हैं, इसे ये नुस्खा दिल पर लिख लें। किसने कहा है? रसूल पाक ने कहा है। क्या कहा है? सूरह हम, सूरह फातिहा, सूरह शिफा है। और जिस्मानी आलाम, जिस्मानी दुख दर्द से लेकर नफसानी दुख दर्द तक हर बीमारी के लिए शिफा है। तो ये एक बात हुई सूरह हम्द की फजीलत। उसके बाद एक चीज़ की तरफ और तवज्जो फरमाइए कि कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, मगर नमाज में जो रोज़ाना पढ़ने के लिए वाजिब है, और रोज़ाना एक मर्तबा नहीं बल्कि रोज़ाना 5 मर्तबा, ये हुक्म शरई हो जाता कि भाई कहीं से भी कुरान मजीद का थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर पढ़ लिया करो। सब कलाम इलाही तो है, ये नहीं कहा गया ना। क्या कहा गया? हर सूरे में नमाज सुबह 2 रकात है तो दोनों रकातों में, नमाज जहर 4 रकात है तो शुरू की दोनों रकातों में, नमाज असर 4 रकात है तो शुरू की दोनों रकातों में, नमाज मगरिब 3 रकात है तो शुरू की दोनों रकातों में, नमाज ईशा 4 रकात है तो शुरू की दोनों रकातों में, और अगर तमाम रकातों में भी पढ़ी जाए तो फजीलत की बात है। यानी नमाज की हर रकात में पूरे कुरान में से बतौर ख़ास सूरह मुबारक फातिहा, सूरह हम का पढ़ना वाजिब और मुस्तहब करार दिया गया। किस लिए? खुद ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी अहमियत है इस सूरह की, क्या आज़मत है इस सूरह की, क्या तासीर है इस सूरह की, क्या नूरानियत है इस सूरह की। और हमारे यहाँ तो इसकी अपनी फजीलत है, सूरह इन्ना अंज़लना की अपनी फजीलत है, सूरह इखलास, सूरह तौहीद यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, उसकी अपनी फजीलत है। तो तमाम सूरों और आयतों की अपनी अपनी फजीलतें हैं, ये मुख्तलिफ जावियों से हैं। इसी एतबार से आयतों में तरतीब है, तो ये आयत भी उन आयतों में से है। अब जाहिर सी बात है आयतों में जो तरतीब है वो आयत जिसे आयत नूर कहते हैं, वो आयत जिसे आयत तथहीर कहते हैं, वो आयत जिसे आया विलायत कहते हैं, वो आयत जिसे आया इकमाल दीन कहते हैं, ये तमाम आयतों की अपनी अपनी अजमतें हैं। उन उस फहरिस्त में जो जवामे आयत इलाहिया हैं उनमें से एक आयत ये है जो मैं आपके सामने रोज़ाना तिलावत कर रहा हूँ, इन हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بشك بتحقيق سچ یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن توجہ رکھیے گا لہجے پر قرآن تو ایک ہی ہے نا ایک سے زیادہ تو نہیں ہے قرآن سے جو پہلے آیت کتابیں آئیں ان کے نام تو یاد ہوں گے نا इंजील है तौरात है ज़बूर है सुहुफ़ अंबिया हैं कुरान तो किसी किताब का नाम नहीं है न इससे पहले किसी किताब का नाम कुरान है न इसके बाद किसी किताब का नाम कुरान हो सकता है इसलिए कि वही का दरवाज़ा बंद हो गया नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया हमारे हबीब और हबीब इलाही हज़रत मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, نبوت ان پر ختم ہو گئی, اس کے بعد نبوت کا سلسلہ باقی نہیں ہے. اور مہر ختم نبوت کا نام, دیکھیے جتنی عظیم دستاویز ہوتی ہے اس پر اتنی مہریں ہوتی ہیں. سبحان اللہ, جتنی عظیم دستاویز ہوتی ہے اس پہ اتنی ہی مہریں ہوتی ہیں. اب مقام ختم نبوت پر ایک مہر نہیں, اللہ نے 12 مہریں لگائی ہیں. حضرت امیر المؤمنین امام المتقین سید الاولیاء علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے, اور حضرت خاتم الائمہ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک, اپنی جگہ ایک مہر ختم نبوت ہے. جب تک عالم بشری علی کو امام مانتا رہے گا ختم نبوت میں شک نہیں کر سکتا. جب تک عالم بشری حسن کی امامت کا قائل رہے گا ختم نبوت میں شک نہیں کر سکتا. جب تک حسین ابن علی سامنے رہیں گے ختم نبوت میں شک نہیں ہو سکتا. اگر کہیں ختم نبوت کا عقیدہ خطرے میں آیا ہے تو وہاں جہاں امامت کا عقیدہ نہ تھا. ہمیں تو کبھی شک ہی نہیں ہوا, کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا سامنے ختم نبوت کا. جہاں علی موجود ہوں, حسن موجود ہوں, حسین موجود ہوں, زین العابدین موجود ہوں, امام باقر موجود ہوں, امام صادق موجود ہوں, جہاں علم و عرفان و عصمت و طہارت کا یہ سلسلہ موجود ہو وہاں شک کا گزر بھی نہیں ہو سکتا. تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ختم نبوت کی مہر ہے, ختم نبوت ہے. ابھی میں کہیں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں میں نے کبھی یہ مصرع کہا تھا, ایسے ہی برسر منبر مصرع ہو گیا تھا کہ دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین. آپ آقا حسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ دلیل ختم نبوت ہے. تو بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی. میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, مگر ان میں سے خصوصیت کے ساتھ اس سورے کو اہمیت دی گئی. تو یہ ایک سلسلہ ہے مراتب کا, اور اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, تو قرآن تو ایک ہے, نبوت ختم ہو گئی, تو پھر اس قرآن کے ساتھ ھذا کیوں لگا ہوا ہے؟ ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن, اس حاضہ کی کیا معنویت ہے؟ یہ اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن ہے نا, جو علوم بلاغت میں درک رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے, مگر اس طرح کے سوالات ابتدا میں طالب علموں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں, اور جہاں سوالات آتے نہیں ہیں وہاں سوالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ تشبیہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, کائنات میں ایک ہی قرآن ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے, مگر یہاں اس آیت میں کہا گیا ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن. اسی طرح خدا کی قسم ابو طالب کا بس ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام علی ہے, نہ قرآن کا کوئی بدل ہے نہ علی کا کوئی بدل.
नज़ीर है, अली भी बेनज़ीर, मगर मिंबर ग़दीर पर पैगंबर ने क्या कहा था, मन कुंत मौला फहादा अली अल मौला। अच्छा तो भाई ये क्यों कहा था, ये हादा की मानवियत क्या है? देखिए ये इल्मी मसाइल हैं, ये दकीक इल्मी मसाइल भी हैं। जो लोग दरसगाहों में बैठकर तफसीर कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, सबक सबक, दर्स दर्स, वरक वरक, आयत आयत, कलिमा कलिमा, वो हर आयत की नहवी तफसीर, सरफी तहकीक, बलागी तफसीर व तबीन, एक एक लफ्ज़ को बयान करते हैं, ये लफ्ज़ यहाँ क्यों है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी मानवियत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसके फ़वाद कितने हैं। तो ये इल्मी बहसें भी हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक मुंतकिल हो जाएं और आपका जहन इल्मी बहसों से मानूस हो जाए। तो हमेशा हादा या गालिका सिर्फ इसलिए नहीं आता कि कोई चीज़ ऐसी है जो एक से ज़्यादा है और उसमें से किसी को मुअय्यन करना है या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है, ऐसा नहीं है। जैसे कुरान मजीद शुरू हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, तो ये कौन सी किताब है? वो किताब। यहाँ वो क्यों लाया गया कलिमा? ये गालिका किस लिए? उसी तरह यहाँ इन हादल कुरान, ये कुरान, ये वो और ये, इसकी क्या मानवियत है? वाज़े है। यहाँ भी फिर एक अब वाक़े से वाक़या जहन में आ जाता है तो क्या करूँ। कुरान मजीद की एक आयत है और वो आयत ये है, सूरह मुबारक यासीन की 12वीं आयत है, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। कहते हैं जब ये आयत नाजिल हुई, ये रिवायत मैंने पढ़ी है किताब में इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जब ये आयत नाजिल हुई तो असहाब में से एक साहब खड़े हो गए, उनका या रसूल अल्लाह ये पूरी आयत हमारी समझ में तो आ गई मगर एक बात समझ में नहीं आई, और वो ये कि ये इमाम मुबीन से क्या मुराद है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, और ख़ुद ही फौरन इसका जवाब भी देने लगे, ख़ुद ही सवाल किया और ख़ुद ही जवाब देने लगे, क्या या रसूल अल्लाह इससे मुराद तौरात है? ज़रा इस मुकालमे का अगर तज़िया कीजिए, अब रिवायत तो यहीं तक है, अब तज़िया कीजिए, सरकार आप पैगंबर खातम पर ईमान ला चुके हैं तो तौरात की याद क्यों आ रही है? नुज़ूल कुरान का सिलसिला जारी है, अब तौरात किस लिए याद आ रही है? हुजूर ने कहा ला नहीं, अब फिर क्या इंजील मुराद है? अब मैं क्या तबसरा करूं? हुजूर ने कहा अल्लाह नहीं, कहा फिर क्या कुरान मुराद है? अल्लाहु अकबर, जो रिवायत मैंने अपनी आँखों से पढ़ी है उसमें यहाँ भी है, आपने फरमाया अल्लाह नहीं और फौरन फरमाया वो देखो जो आ रहा है। वो है इमाम मुबीन। बस अफसोस यही है, 1400 बरस गुजर गए, न उस वक्त इमाम मुबीन समझ में आया था ना आज तक इमाम मुबीन समझ में। अगर इंसान
اس امامت کو سمجھ لے اور امام مبین تک پہنچ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ بہرحال میں تو ابھی صرف عرض کر رہا ہوں، یہ اور وہ ایک ہی تو تھے، علی بے نظیر۔ تو جب موقع ہوا کہا دیکھو وہ علی امام مبین ہے، جب موقع ہوا تو کہا دیکھو یہ علی مولا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے لیے کہیں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب وہ ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہیں گے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو بے بتحقیق یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف، نہ یہاں نہ وہاں، وہ اشارے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ علم بلاغت میں واضح ہے، کبھی کبھی ھذا یا ذالک عظمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ ایک نقطہ ہے، محسوس مانوس نقطہ ہو جائے گا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ذہن کو منتقل کرنا ہے۔ یہ مثلا یہاں ایک 10-12 حضرات موجود ہوں جو سب کے سب دعویٰ کرتے ہوں کہ میں شاعر ہوں، اور کسی شخص کو معلوم ہو کہ بھئی اس میں سے ایک صاحب واقعی سچے پورے مکمل استاد شاعر ہیں، باقی 2-3 حضرات وہ ہیں جو شاعر تو ہیں مگر اس پائے کے نہیں ہیں، ابھی مکمل نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو اصلاً شاعر ہی نہیں ہیں، متشاعر ہیں۔ اردو میں تو دو ہی لفظیں آئی ہیں، اور یہ دو لفظیں جو ہیں وہ عربی سے آئی ہیں، شاعر اور متشاعر۔ عربی میں تو اور رتبے بہت سے بنا دیے گئے ہیں، شاعر، متشاعر، شعرور، شویعر، موال، یہ سب رتبے بنا دیے گئے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف تکبندی کرتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ شاعر ہے۔ بس شاعری معلوم ہے، شاعری کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ جملہ یاد رہ جائے، شاعری انسانی رفعتوں کی جمالیاتی جستجو کا نام ہے۔ شاعری انسانی رفعتوں کی جمالیاتی جستجو کا نام ہے۔ شاعری معمولی فن تھوڑی ہے، شاعری کی قدردانی محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہے۔ تو بہرحال اب مثال یہی کہ 10-12 حضرات ہیں، سب دعوے دار ہیں کہ شاعر ہیں۔ اب جو واقعی شاعر شناس اور شعر شناس ہے، مثال ہے تقریب ذہن کے لیے، وہ کھڑا ہوگا اور جو واقعی شاعر ہوگا اس کے لیے کہے گا یہ شاعر وہ ہے جس پر اس ملک کو ناز ہے۔ اب یہاں لفظ یہ جو ہے نا، وہ اشارے کے لیے نہیں ہے، وہ اس شخص کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، یہ اشارہ بھی تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے ہے، تشریف کے لیے ہے، رتبہ ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اب یہیں پہ ٹھہر کے کل کی تقریر سے ایک جملہ مربوط کر دوں، کل میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ترجمہ آسان نہیں ہے، تو اب جو عام آدمی ہے وہ تو انا اور ھذا اور القرآن دیکھ کے ترجمہ کر دے گا، اور اس سے پوچھے کہ یہ ھذا سے مراد کیا ہے یہاں پر، یہ ھذا کی ضرورت کیا ہے یہاں پر، کیا ضرورت ہے، یہ سب مسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ عظیم قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ میں 3 دن 4th دن ہے روز یہی ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ کو، سب سے سیدھے راستے کی طرف۔ ایک مشکل اور ہے، اقوام کے معنی کیا ہیں؟ واقعی اس کا ترجمہ سب سے سیدھا ہے، بس اور بھی کوئی ترجمہ ممکن ہے؟ اب یہ بہت سنگین بحث ہے، مجھ سے روز کہا جا رہا ہے آپ سنگین نہ بحث کیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں خوب سنگین بحث کیجئے، دونوں طرح کی فرمائشیں آ رہی ہیں۔
और ज़ाहिर है मुझे एहसास है कि मजमे में दानिश्वर हजरात भी हैं, दानिशमंद भी हैं और वो लोग भी हैं कि जो मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्मी बहसों से सरोकार नहीं रखते। लेकिन हमारी कोशिश ये है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर शख्स बकद्रे ज़र्फ़ कुछ ना कुछ पयाम लेकर जाए। तो तवज्जो फरमाइए कि अक्वम ये जो लफ्ज़ है अलिफ़ यानी हमज़ा काफ वाओ मीम, अक्वम के क्या मानी है? कभी कभी ये बिल्कुल नई बहस है, बिल्कुल अछूती नई बहस, इससे पहले ये बहस नहीं आई है आपके सामने और मैं नहायत आजिज़ी से इनकिसार से अर्ज़ कर रहा हूँ। अताए मकतब अहले बैत है, अपने ऊपर नाज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस फ़कीर से पहले ये बहस किसी ने नहीं की। कई एतबार से मानी की किस्में की जा सकती हैं, जिसमें से एक ये किस्म है कि कुछ मानी होते हैं बसीत, कुछ होते हैं तहदार मुरक्कब, कुछ होते हैं बसीत मानी सादा मानी और कुछ होते हैं मानी वो होते हैं मफहूम वो होता है जिसमें बहुत से डायमेंशंस होते हैं, बहुत से अबाद होते हैं, बहुत सी जिहात होती हैं, बहुत सी तहें होती हैं, बहुत सी परतें होती हैं, एक माना में बहुत सी तहें और परतें होती हैं। इसीलिए हौज़े इल्मिया कुम के अज़ीम शान मुज्तहिद और फ़कीह और फ़लसफ़ी और आरिफ़ जनाब आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख जवादी आमुली ने अपने तफसीर दर्स में एक जुमला कहा था, वो जुमला दोहरा रहा हूँ ताकि मेरी बात में एक गवाह के तौर पर, एक शाहिद के तौर पर, एक सनद के तौर पर वो जुमला आप लेकर जाएं। फरमाया कि अरबी के बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिनका तर्जुमा फ़ारसी में भी मुमकिन नहीं है, यानी एक लफ्ज़ का बदल कोई एक लफ्ज़ आ जाए मुमकिन नहीं है। कुछ आज संगीन हो रही है बहस, होने दीजिए, कुछ ज़रा सा ये बहस जो है मुश्किल है, होने दीजिए। आमतौर पे क्या होता है, ट्रांसलेशन अनुवाद तर्जुमा एक लफ्ज़ के मुकाबले में एक लफ्ज़ रख देते हैं आप। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ वाटर है, उसका तर्जुमा उर्दू या हिंदी में करेंगे तो क्या कहेंगे? पानी। लफ्ज़ के बदले में लफ्ज़ रख दिया। मैन उसके मुकाबले में आदमी, इंसान या मर्द, ठीक है ना। ट्री उसके मुकाबले में दरख्त या पेड़, ठीक है ना। बाज़ मफहूम ऐसे होते हैं कि वो मफहूम बड़े मफहूम होते हैं और एक लफ्ज़ अरबी का ऐसा है कि जिसके बराबर में कोई एक लफ्ज़ रखा नहीं जा सकता। यानी किसी एक लफ्ज़ के लिए, एक लफ्ज़ के लिए न जाने कितने सफ़े लिखे जाएं तब उस एक लफ्ज़ का मफहूम अदा हो। यह है अरबी ज़बान की खसूसियत। उन अल्फाज की फहरिस्त अगर बनाई जाए, तवज्जो रखिएगा अजीज़ान गिरामी, मैं क्या, सभी कहते हैं कि ये मजलिसें जो हैं ये मदरसा अहले बैत है, ये दरसगाह हुसैनी है, तो यहाँ इल्मी और संगीन बहसें होनी चाहिए ताकि आपका जहन मानूस हो इन बहसों से। अरबी ज़बान की खसूसियतों में बहुत सी खसूसियतें हैं, लेकिन एक खसूसियत ख़ास क्या है कि इसके बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि दुनिया की किसी ज़बान में उस लफ्ज़ का बदल मौजूद नहीं है। जैसे ये मिसालें दी कि वाटर की जगह पानी रख दिया, पानी की जगह वाटर रख दिया। अरबी के बहुत से अल्फाज ऐसे हैं, बाज़ नहीं, बहुत से कलिमात, बहुत से अल्फाज, बहुत से वर्ड्स, बहुत से शब्द क़ुरान के ऐसे हैं जिनका कोई एक शब्द किसी दूसरी ज़बान में नहीं मिलेगा आपको कि आप बदल दें, मुमकिन नहीं है जब तक के न जाने कितने सफ़े न लिखे जाएं। यानी एक लफ्ज़ की को समझने के लिए न जाने कितने सफ़े, कितने पेजेस, कितने पन्ने, कितने वरक लिखने पड़ेंगे और कितनी देर बयान करना पड़ेगा। उन
अल्फाज में से एक लफ्ज ये है जिसे अक्वम कहा गया है यहाँ पर। तो तीन दिन तो मैं सुनाता रहा आपको वो तर्जमा जो दूसरों ने किया है कि कुरान बुलाता है उस रास्ते की तरफ जो सबसे सीधा है। ये आपको मिल जाएगा बाजार में छपे हुए जो तर्जमे हैं उनमें मिल जाएगा तर्जुमा। ये आज से मैंने ये बहस कायम कर दी अब आपके सोचने के लिए कि ये चार छः दिन जो बाकी हैं अगर मैं सिर्फ लफ्ज़ अक्वम की तशरीह करता रहूँ तो मजलिसें ख़त्म हो जाएंगी, तशरीह मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और ज़ाहिर है मैं ये कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं तो पहले दिन क्या कहा था, मैं तो प्यास भड़का रहा हूँ, शौक़ पैदा हो जाए आप में, आप ख़ुद घर जाएँ तो सिर्फ़ ख़्वाब राहत में या ख़्वाब गफलत में मुब्तला ना हो जाएँ। खुदा की कसम हर घर में कुछ किताबें ज़रूर होनी चाहिए, हर घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर घर में एक छोटी सी मस्जिद होनी चाहिए। हर घर में मस्जिद से मुराद ये है शरई मस्जिद नहीं, मस्जिद से मुराद ये कि हर घर में एक ख़ास जगह मखसूस होनी चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए। वो जगह मखसूस हो कि यहाँ सब उठेंगे नमाज पढ़ेंगे, जिसे नमाज पढ़ना होगा यहाँ पढ़ेंगे। और ये फ़कीर एक बात और कहता है, बहुत कई बरस पहले जुमला कहा था मैंने, हर मोमिन घर में एक न एक आलम सजा हुआ पूरे साल रहना चाहिए। इस जुमले का जवाब ये बिदअत नहीं है, ये शिर्क नहीं आए, ये बिदअत नहीं आए, इस ये आलम पहचान है मुकम्मल कुव्वत ईमान की। क्या कहने, कुव्वत ईमानी की पहचान है आलम। हर घर में, हर मोमिन घर में, हर आजादार घर में एक आलम सजा हुआ पूरे साल के साल होना चाहिए। अच्छा कह तो दिया मैंने, आप क्या समझते हैं मेरी जान आफत में नहीं पड़ेगी ये जुमला कह के? हैं, मेरी भी मुश्किल ये है कि एक तरफ वो गरोह है जो मुझे गाली कहता है और एक तरफ वो गरोह है जो मुझे मुकसर कहता है। और मैं ऐलान कर चुका कि हकीकत यह है, सच्चाई है कि रूए ज़मीन पर जितने हैं या कासिर हैं या मुकसर हैं, या कासिर हैं, याद रखना ये कोई मुबालिगा नहीं, या कासिर हैं या मुकसिर। रूह ज़मीन पर खुदा की कसम कौन फर्जंद आदम है जो ये दावा कर सके, या कौन दुख्तरे हव्वा है जो ये दावा कर सके कि वो मोहम्मद को, अली को और फातिमा को पहचान सकती है। कह सके कि उनकी मारिफत का हक अदा कर सकता है या मारिफत का हक अदा कर सकती है? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। के मानी है कि कासिर हैं। और फिर कौन है जो ये जुरात करके कह सकता है कि हम उनकी इताअत का हक अदा कर सकते हैं? और अगर इताअत का हक अदा नहीं कर सकते तो इसके मानी ये है कि मुकसिर हैं। खाली तकरीरों से या शायरी से थोड़ी हक अदा होता है, न तकरीरों से हक अदा होता है न शायरी से हक अदा होता है। मारिफत होनी चाहिए और मारिफत के बराबर इल्म। बात जितना इल्म हो उसके हम वज़न, उसके बराबर अमल होना चाहिए। जितना इल्म हो उसके हम वज़न, उसके बराबर अमल होना चाहिए। और जितना अमल करने का हौसला हो उतना ही इल्म हासिल करना चाहिए। बग़ैर
علم کے عمل کار عبس ہے اور بغیر عمل کے علم واہمہ ہے, واہمہ. بہرحال اب بات پھر وہاں واپس آ جاؤں کہ بہت سے الفاظ اور کلمات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جن کا بدل ممکن نہیں ہے. جیسے خود آیت اللہ جوادی آملی نے جو مثال دی تھی وہ کون سی مثال تھی, آپ کے لیے تعجب خیز ہوگی یہ مثال. قرآن مجید میں لفظ کریم آیا ہے کئی جگہ, کریم, کاف رے یہ میم, کریم. بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے کریم, کریم اللہ, کریم الدین, محمد کریم, کریم احمد. یہ لفظ کریم جو ہے اس کی تفسیر میں آیت اللہ جوادی آملی نے فرمایا کہ پوری فارسی زبان میں کوئی ایک لفظ موجود نہیں جو کریم کا بدل ہو سکے. اب میں کیا کروں, وقت گزرا جا رہا ہے اور بحث پھیلتی جا رہی ہے. لفظ کریم کتنا عظیم مفہوم اس میں پوشیدہ ہے, اور اس کی عظمت اور تہداری کو سمجھنا ہو تو بس تیزی سے مثال کے طور پر ذہنوں کو, دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اور آپ کی پیاس کو برنگیختہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے کہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے الکریم, ہے یا نہیں؟ اور آپ جب نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کریم, تو آخر اتنی تہداری تو ہے اس لفظ میں کہ یہ خدا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھا ایک ہی لفظ ہے, خدا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور باقاعدہ استعمال کرنے والے استعمال کرتے ہیں, مگر شرک کا تصور نہیں آتا. اللہ بھی کریم ہے, نبی بھی کریم ہے, میرا مولا بھی کریم ہے, علی بھی کریم ہے, زہرا بھی کریم ہے, حسین بھی کریم ہے. اور جس طرح لفظ کریم اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اسی طرح خود اللہ نے اور نبی نے کہا دیکھو یہ لفظ مولا جو ہے یہ ایسا ہے, اللہ بھی مولا ہے, رسول اللہ بھی مولا ہے, علی ابن ابی طالب بھی مولا ہے. شرک کا تصور نہ کرنا. صلوات پڑھنے محمد و آل. پروردگار آپ کی ذہانتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے, آپ کی ہمتوں کو اور حوصلوں کو بلند رکھے. یہ دقیق مسائل ہیں, یہ دقیق علمی مسائل ہیں. لفظ کریم ایسا ہے کہ اس کو کوئی اسی ایک لفظ یا ایک ترکیب یا ایک سطر میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آخر عربی زبان کا لفظ ہے, اور پھر اس عربی کا لفظ ہے جو قرآنی عربی ہے. دوسری چیز جیسے میں نے کہا لفظ اقوام, ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام, بے شک یہ قرآن, یہ عظیم قرآن وہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو راستہ اقوام ہے. اب تو میں سیدھا نہیں کہوں گا صرف, کیونکہ سب سے سیدھا یہ بدل نہیں ہے, اس سے ٹرانسلیشن کا حق ادا نہیں ہوگا. اب یہ لفظ اقوام کو ہٹا کر جو لفظ رکھنا ہوگا وہ کئی سو صفحے تک جائے گا. کس میں ہمت ہے جو ایسا ترجمہ کر سکے؟ ترجمے کی بات ابھی کر رہا ہوں میں, خدا قسم تفسیر و تاویل کی بات نہیں ہے, تفسیر و تاویل تو بات کی منزلیں ہیں. اسی لفظ اقوام میں لفظ اتم پوشیدہ ہے, لفظ اکمل پوشیدہ ہے, لفظ اصح پوشیدہ ہے, لفظ احسن پوشیدہ ہے.
इस एक लफ्ज अक्वम यानी अक्वम यानी वो रास्ता जो सबसे बेहतर हो, सबसे कामिल हो, सबसे अफजल हो, सबसे अच्छा हो, सबसे सीधा हो, सबसे मजबूत हो, सबसे मुस्तहकम हो, सबसे ज़्यादा अकली हो, सबसे ज़्यादा फितरी हो, सबसे ज़्यादा विजदानी हो, ये सारा मफहूम अक्वम में पोशीदा है। आज का वक्त तमाम हुआ चाहता है, इंशाल्लाह जो बाकी चंद मजलिसें हैं उसमें गुजारिश करने की कोशिश करूँगा अगर नए मसाइल सामने ना आ जाएँ तो इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, बेशक ये अज़ीम कुरान हिदायत करता है उस अम्र की तरफ, उस शय की तरफ जो सबसे बेहतर, सबसे कामिलतर, सबसे मजबूत, सबसे मंतकी, सबसे ज़्यादा हकीमाना, सबसे ज़्यादा फितरी, सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता है उसकी तरफ। अब न जाने कितनी चीज़ें इसमें और शामिल हैं, हो सकती हैं नहीं शामिल हैं। हर मसले में यही है, एतिकादी मसला हो, अखलाकी मसला हो, फुरुए दीन का मसला हो, समाजी मसला हो, सियासी मसला हो, इक्तिसादी मसला हो, जितने मसाइल हैं ज़िंदगी के हर रुख से क़ुरान अगर हिदायत करेगा उस मसले में तो सबसे बलंतर अम्र की तरफ। एतिकाद में पूछो कुरान से तो वो उस एतिकाद की तरफ ले जाएगा जो सबसे मुस्तहकम, सबसे बेहतर, सबसे बरतर, सबसे मजबूत, सबसे मंतकी, सबसे विजदानी, सबसे ज़्यादा हकीमाना, सबसे ज़्यादा फितरी होगा। फुरूए दीन में कुरान से सवाल करोगे, कुरान उस तरफ हिदायत करेगा जो सबसे फितरी अम्र होगा, जब सबसे मजबूत होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे कामिलतर होगा। अखलाकी मसला हो, समाजी मसला हो, इक्तिसादी मसला, जितने मसाइल हैं। अब जब ये समझ में आ गया कि कुरान बुलाता ही है उस तरफ जो सबसे ज्यादा बुलंद हो, तो अगर रहबरी का मसला आ जाए तो कुरान किसकी तरफ बुलाएगा? बुलंद ही को कहते हैं अली। बुलंद हो उसे अली कहते हैं। कुरान जब इमामत की बाब में किसी को दावत देता है तो अली की तरफ दावत देता है, किसी गैर की तरफ दावत नहीं देता। सलावात पढ़ दे मोहम्मद व आले। कुरान जिसे वली कहेगा, कुरान जिसे इमाम कहेगा, कुरान जिसे रहबर कहेगा, कुरान जिसे रहनुमा करार देगा, वो सबसे बेहतर होगा। मुमकिन ही नहीं है कि उससे बेहतर कोई हो, इसलिए कि कुरान उसकी तरफ बुला रहा है और कुरान बुलाता है कि कायदा है ये, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम। कुरान तो बुलाता ही उसकी तरफ है जो सबसे बरतर हो, सबसे बेहतर हो, सबसे मुस्तहकम हो। वाज़ेह है। अब ये सबसे बरतर और सबसे मुस्तहकम और सबसे आला और सबसे अकमल और सबसे अतम, ये सब बहुत से मफाहीम हैं, बहुत से अल्फाज हैं जो सिमट के एक में आ गए। वो क्या है? अक्वम। कल मैं क्या कह रहा था? जो वजूदी सिफतें हैं वो सब सिमट के एक में आ जाती हैं। मरबूत हुई बात, सिलसिला मरबूत है। अच्छा, अब जब ये एक में आ जाता है, कल मैंने अर्ज़ किया था, बस इख्तिताम तक पहुँच रहा हूँ, किस यूं तो शजरा औसाफ का बहुत नाकाबिले कयास हद तक वसी है, लेकिन सिफतों का ये शजरा जब तहलील और तज़िया करते हुए मुख्तसर तरीन मंजिल तक आ जाएं आप, तो फिर क्या होता है कि दो चीज़ें सामने आती हैं, दो अंसर, एक इल्म और एक शुजात। इल्म और शुजात। और बस अब चूंकि वक्त नहीं है ना, तो अब उस खतीबाना अंदाज से मैं कह ही नहीं सकता। इल्म और शुजात जब एक हो तो फिर अली कहलाते हैं। ये ज़ात अली है जिसका एक रुख का नाम है इल्म और दूसरे रुख का नाम है शुजात।
اور شجاع ہونے کی حیثیت سے کل میں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ شیر شجاع نہیں ہوتا. شیر تو درندہ ہے, جانور ہے, درندہ ہے. شجاعت وہ صفت ہے جو صرف اور صرف اور صرف نفس انسانی یا روح انسانی میں ہوتی ہے. غیر انسانی نفس میں, غیر انسانی روح میں شجاعت نہیں ہوتی. اس لیے کہ درندگی نام ہے چیر پھاڑ کے ہلاک کر دینے کا. شجاعت کا اصل کام ہلاک کرنا نہیں, حفاظت کرنا ہے. زمین تا آسمان فرق ہے. علی کی شجاعت نے اسلام کی حفاظت کی ہے. علی کی شجاعت نے توحید کی حفاظت کی ہے, نبوت کی حفاظت کی ہے, اسلام کی حفاظت کی ہے, قرآن کی حفاظت کی ہے, انسانیت کی حفاظت کی ہے. شجاعت وہ وصف ہے جو روح انسانی میں پائی جاتی ہے. لیکن اب کیا کیجیے بھائی, وہ ہمارے شعراء خطبا ہم سب جب مدح کرتے ہیں تو مولا علی کو بھی شیر خدا کہتے ہیں. اب اس کا کیا جواز ہے بھائی؟ یہ سوال میرے سامنے بار بار آیا لیکن اس کا جواب حاضر ہے بس ایک جملے میں. چونکہ وقت نہیں ہے نا, اس لیے میں ہر بحث کو بہت اب سمیٹ کے, ورنہ ایک ایک جملے پہ ایک ایک مجلسیں ہو جائیں گی. یہ جو لکڑی سے ایک چیز بنا دی گئی ہے اسے سیڑھی بھی کہہ سکتے ہیں, اسے اسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں, مگر جب اس چیز کو نسبت دے دیں پیغمبر کی طرف نسبت دے دیں تو یہ عظیم ہو گئی. نسبت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں آپ؟ انتساب, نسبت, کچھ نہیں. یہ لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ مدینہ مکے سے آئی ہے. یہ لکڑی یہیں اسی زمین کی پیداوار ہے, پتہ نہیں کس پیڑ کی کاٹ کے لائے گئی اور اس کے بعد اسے یہ شکل دے دی گئی. اب اس کو مسجد میں یا امام بارگاہ میں لا کر نسبت دے دی گئی. ادھر نسبت ہوئی, اسے عظمت حاصل ہو گئی. واضح ہے؟ نسبت اگر درست ہے تو عظمتیں حاصل ہوتی ہیں. جہاں نسبتیں ختم ہو جائیں وہاں عظمتیں زائل ہو جاتی ہیں. اسی لیے بظاہر دربار شام میں رکھا تھا ممبر, سید سجاد نے اسے ممبر نہیں کہا. بڑا آراستہ ممبر رہا ہوگا نا, شاہی ممبر, سونے چاندی کے کنکمے لگے ہوں گے اس میں, نہ جانے ہیرے کی کیلیں پیوست کی گئی ہوں گی, کیا زر نگار اس کے اوپر چادر ہوگی. اور ہمارے یہاں دربار کا ممبر ہے بھائی, سرکار کا ممبر ہے, کیسا سجا ہوا عظیم الشان, بظاہر دمکتا ہوا چمکتا ہوا ممبر ہوگا. آقا نے کیا کہا؟ آقا نے کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ ان لکڑیوں پر چڑھ کر وہ بات کہوں جس میں رضائے خدا ہے؟ معلوم ہوا کہ دربار شام میں اگر ممبر بھی رکھا ہو تو لکڑی سے زیادہ اہمیت نہیں ہے, اور میدان غدیر میں کجاوے بھی رکھے ہو تو ممبر کہتا. لکڑی سے زیادہ نہیں اہمیت ہے, اور میدان غدیر میں کجاوے ہو تو ممبر کہلائیں.
اب سمجھے نسبت کی عظمت, نسبت, انتساب, تعلق. شیر وہ شیر جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے زید و عمرو بکر کے ساتھ, وہ درندہ ہے, مگر جب شیر کی نسبت خدا کے ساتھ ہو جائے, وہ شیر خدا بجز علی کوئی ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھنے محمد و علی. نسبت کی اہمیت ہے, نسبت کی اہمیت ہے. منسوب کس سے ہے, نسبت کس سے ہے, رشتہ کس سے ہے, تعلق کس سے ہے. واضح ہے؟ بس گفتگو یہی تمام. ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. آپ انسان ہیں, آپ آدمی ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, ہندوستان کے ہیں, امریکہ کے ہیں, عراق کے ہیں, ایران کے ہیں, کہیں بھی ہیں, اگر آپ کا رشتہ, تعلق, نسبت حسین سے ہے کی حیثیت کچھ اور ہے, پھر آپ کی عظمت کچھ اور ہے. اگر رشتہ عزاداری میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ ایک امت کہلائیں گے, امت حسین, امت قرآن, امت غدیر, امت مصطفیٰ, امت حق. آپ ہیں, کوئی اور نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے؟ بس اب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ وہ تاریخیں وہ ہیں جن میں زیادہ دیر تک مصائب کے بیان کی ضرورت ہے, مگر بھائی مصائب کے بیان کی ضرورت تو ان کے لیے ہے نا جو واقف نہ ہوں. ہمارے آپ کے لیے تو اشارے کافی ہیں کہ دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اب بس جو کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کہوں گا. یہیں سے ایک شعر یاد آ گیا اور, مرزا یاس یگانہ چنگیزی کا شعر ہے. کہتے ہیں, سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانۂ درد, سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانۂ درد, سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا. اگر انسان کا دل بیدار ہو, اگر انسان کے جذبات بیدار ہوں, اگر انسان کے احساسات بیدار ہوں, اگر انسان کو معرفت ہو حسین ابن علی کی, تو آقا کے لیے ایک معمولی سی اہانت بھی ہمارے لیے تو مر مٹنے کا مقام ہے. اسی لیے تو زہیر کو جلالا گیا تھا نا. زہیر کل تذکرہ کر رہا تھا غالباً, زہیر کو جلالا گیا کس بات پر؟ آقا حسین کے خیموں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دریا کے کنارے نہیں لگنے دیں گے. زہیر کے لیے مر مٹنے کا مقام تھا. خدا کی قسم اگر آقا حسین خود روک نہ لیتے تو عاشورہ کے بجائے وہ جنگ 2 محرم کو ہو جاتی. اور ہم سب میں یہی جذبہ ہونا چاہیے. اگر آپ سچے ہیں اہل ولا تو کہیں کوئی مولا علی کی توہین کرے تو آپ کو خوش آمد کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے. اگر کوئی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی اہانت کرے تو آپ کو خوش آمدانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, چاہے آپ کا عہدہ چھن جائے, منصب چھن جائے, جان چلی جائے. کوئی بھی ہو اہانت کرنے والا, علی کی اہانت آپ سن کے خاموش ہو جائیں اور پھر کہیں گے جناب آپ کو اس منصب پر, اس کرسی پہ بیٹھ کے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی, آپ کو اپنے بیان کی وضاحت کرنی چاہیے. وضاحت, وضاحت کے کیا معنی ہے؟ وضاحت کے معنی ہے کہ آپ وجہ بتائیے کہ توہین کیوں کر رہے ہیں. وضاحت کے معنی یہ ہے کہ ابھی ٹھیک سے توہین نہیں ہوئی, ذرا اور قاعدے سے توہین کیجیے. کھل کے کہنا چاہیے آپ نے غلطی کی ہے اور معافی مانگیے. بے شک, بے شک, بے شک.
वो कौन सी विलायत है कि आप फरमाते हैं वजाहत फरमानी चाहिए? वजाहत अगर नस्बत मजबूत है तो सरफरोशी होनी चाहिए। सरफरोशी, तन पे सर सलामत रहे या ना रहे, मगर अली और आले अली की तौहीन बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आका हुसैन के बस क्या था मसला? वो यही तो कह रहे थे कि हम दरिया के किनारे खैमा नहीं लगने देंगे। जुहैर को जलाल आ गया, जुहैर से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जुहैर कौन है? ये जुहैर, अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसलिए समेट रहा हूँ, इंशाल्लाह ये रिवायत बाद में अर्ज़ करूँगा। जुहैर आका हुसैन से मक्के और करबला की राह में दरमियान में मिले हैं, लेकिन जब मारिफत हासिल हो गई आका हुसैन की, तो जुहैर ने क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की। और जुहैर ने तन्हा नहीं, जुहैर की उस बीबी ने जिसे जुहैर ने इश्क हुसैन में तलाक दे दी थी। मैं अक्सर कहता हूँ रूए ज़मीन पर बहुत सी तलाक़ें होती हैं, नफ़रत के तहत होती हैं, इख्तिलाफ़ के तहत होती हैं, शायद ये तन्हा एक तलाक है जो मोहब्बत और एहतराम के तहत हुई। जब आका हुसैन के साथ जान देने का फ़ैसला कर लिया जुहैर ने, तो अपनी चहीती बीवी के पास आया जिससे मोहब्बत थी, जिसकी अजमत थी निगाह में, कहा बस अब तुम्हें मैं तलाक देना चाहता हूँ। कहा ये क्या फ़ैसला है, मैंने ही तो भेजा था हुसैन इब्ने अली के तक। कहा हाँ दुरुस्त है, मगर अब मैंने फ़ैसला कर लिया है आका हुसैन के साथ रहूँगा, और मुझे मालूम है कि आका की शहादत के बाद अहले बैत असीर किए जाएंगे, मैं ये नहीं चाहता कि तुम असीर की जाओ। यानी ये तलाक मोहब्बत और एहतराम के जज्बे से हो रही है, नफरत और इख्तिलाफ से नहीं। बस अब वक्त नहीं है, जितना जी चाहे सोच सोच के गिरिया कीजिएगा, मातम कीजिएगा। एक जुमला कह रहा हूँ सुन लीजिए, वो बीबी अलग तो हो गई लेकिन साथ साथ रही, साथ साथ रही। और जब करबला में शहादत उज़्मा हो गई तो इसने अपने गुलाम को एक कफन दिया, कहा जा और जाके अपने आका जुहैर को कफन देकर दफन कर दे। जब वो गुलाम आया तो फिर उसने देखा जुहैर तन्हा नहीं है, हुसैन का लाशा बेकफन पड़ा हुआ। वापस गया, उस बीवी ने पूछा अपने आका को कफन दे दिया? था नहीं, मुझसे गवारा न हुआ जुहैर को कफन दूं, रसूल का नवासा बेकफन पड़ा रह जाए। इसलिए मुमकिन नहीं था कि मैं जुहैर को कफन दूं और फातिमा का लाल नबी का नवासा बेगोरो कफन पड़ा रहे तो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार माबूद हमारे लिए इश्क हुसैन की दौलत अरजानी फरमा। परवरदिगार हमें और हमारे जवानों को नाम हुसैन पर कुर्बान होने का जज्बा अता फरमा। परवरदिगार हमारे सरों पर और उलमा का साया बरकरार रख, जो उलमा इश्क अहले बैत की तरबियत देते हैं, तालीम देते हैं। परवरदिगार आयतुल्लाहिल उज़्मा मरजे तकलीद जनाब सैयद अली हुसैनी सिस्तानी का साया हमारे सरों पे बरकरार रखे। परवरदिगार रहबर अज़ीम शान जनाब आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामनेई का साया हमारे सरों पे बरकरार रखे, और उनकी रहबरी में तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानों को तरक्की की राहों पे आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा, और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा।